सोलन शहरवासियों के भारी संघर्ष के बाद सोलन को नगर निगम का दर्जा मिल चुका है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्षों से लंबित पड़ी मांग को पूरा कर शहरवासियों को खुश कर दिया है। भाजपा के घोषणा पत्र की सबसे पहली और बड़ी मांग भी नगर निगम बनने से पूरी हो चुकी है। भाजपा ने अपना वायदा पूरा कर दिया है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी अभी भी शायद इस घोषणा पर पूरी तरह से यकीन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सोलन नगर निगम में अभी भी नगर परिषद के ही बोर्ड लगे नजर आ रहे हैं। यहां पर आने वाले लोग भी इन बोर्ड से संशय में पड़ रहे हैं कि आखिर सोलन नगर परिषद नगर निगम बनी भी है या नहीं। सोलन नगर निगम के पार्षद मुकेश वर्मा ने इस पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि सोलन नगर निगम में अभी भी पुराने ही बोर्ड टंगे हैं जिस पर नगर परिषद लिखा गया है। उन्होंने कहा कि सोलन को प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नगर निगम का अनमोल तोहफा दिया है। यहां तक कि सोलन नगर निगम में नगर निगम अधिकारी भी विराजमान हो चुका है। नगर निगम के चुनावों की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नगर परिषद के बोर्ड नगर निगम के भवन में नहीं उतरे हैं, जिसके चलते शहरवासियों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा कि इन बोर्ड्स को तुरंत प्रभाव से उतारना चाहिए और नगर निगम के बोर्ड लगने चाहिए। बिल्कुल नेग्लिजेंसी है, फेलियर है। मैं समझता हूँ जब निगम की घोषणा सरकार ने कर दी और निगम बन भी गया, उसके बावजूद अगर इस तरह के एडवर्टाइजमेंट बोर्ड जो है नगर परिषद कार्यालय में ही टंगे रहेंगे, तो मैं नहीं समझता भी इससे बड़ी लापरवाही कोई है। यहाँ पर नगर निगम का बोर्ड लगना चाहिए। लोगों को नगर निगम के बारे में जो है तोहफा मिला है, माननीय जयराम ठाकुर जी ने हमें ये तोहफा दिया है, तो इस तोहफे को कबूल करते हुए यहाँ पर कार्यालय नगर निगम सोलन होना चाहिए, ना कि नगर परिषद सोलन। ये नेग्लिजेंसी है, कमिश्नर को चाहिए इसको तुरंत हटाएं और नगर निगम का बोर्ड लगाएं। बिल्कुल पब्लिक के बीच में अभी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। जब भी ऐसी पब्लिक हमारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आती है तो यहाँ पर जब वो बोर्ड का दर्शन करती है नगर परिषद, तो उनके माइंड में ये भी अभी बना है कि नहीं बना है, जबकि माननीय जयराम ठाकुर जी ने सोलन को निगम का तोहफा दिया है और निगम के रूप में हमारे कमिश्नर भी बैठ चुके हैं और निगम का कार्यकाल जो है शुरू हो चुका है। तो मैं समझता हूँ कमिश्नर को, नगर निगम के कमिश्नर को भी सोलन के एडवर्टाइजमेंट बोर्ड जो नगर परिषद के रूप में लगाए गए हैं उनको हटाकर नगर निगम के बोर्ड लगाए जाए।